राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। झूठ बोलने में अगर शोध हो तो उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कायदे आजम मोहम्मद आजम खान को मिलेगा। यह कहते हैं कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, अमर सिंह झूठ बोलते हैं। और आजम खान के जिस कथन पर मेरी प्रतिक्रिया का वीडियो वायरल हुआ है वो दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि किसी दूसरे चैनल की संपत्ति हम उन लोग नहीं दिखाते। इसलिए मैंने उतना ही हिस्सा जो बेहद आपत्तिजनक है उसको मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। और दिखाने से पहले बता रहा हूं कि जब एंकर पूछता है कि अमर सिंह, तो कहते हैं अमर सिंह और अमर सिंह ऐसे लोग। जब उनको सड़क पर नंगा करके मारा जाएगा, जब उनकी पत्नियों को काटा जाएगा, जब उनकी जवान हो रही बेटियों के ऊपर तेजाब फेंका जाएगा, अमर सिंह और अमर सिंह ऐसे लोग। मैं बहुत बुरा आदमी हो सकता हूँ, मैं बहुत विवादित आदमी हो सकता हूँ। मैं आज यहाँ किसी दल की तरफ से, बल्कि दो बेटियों के नाबालिग मासूम 17 साल की दो बेटियों के बाप की हैसियत से यहाँ बैठा। अब जब वो स्कूल पढ़ने जाती हैं तो डर लगता है, हमारी पत्नी रोती है। आजम खान ही प्रभारी थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जब हिंदू समाज की एक लड़की के ऊपर बहुत क्रूरता के साथ छेड़छाड़ हुई। और मैं ये नहीं कहता कि छेड़छाड़ करने वाला हिंदू या मुसलमान होता है, माँ और बहनों को छेड़ने वाला बदमाश होता है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रभारी मंत्री थे आजम खान, छेड़ने वाला नौजवान था मुसलमान, छेड़ी गई लड़की थी हिंदू। और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब कटी हुई लाशें पाकिस्तान से आ रही थी, दंगा नहीं हुआ, क्योंकि वहां काम करने वाले मजदूर मुसलमान हैं और जमीन के मालिक हिंदू, उन लोगों का रोटी का संबंध, पेट का संबंध है। विभाजन के समय भी दंगे नहीं हुए, वहां दंगे हुए। सवाल यहां अगले का, पिछड़े का और अति पिछड़े का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मुलायम सिंह जैसे राजनीतिक शिल्पकार, जब आजम खान ऐसी सियासी वृत्ति को गढ़ देंगे तो मुजफ्फरनगर में जब दंगा होगा तो सैफई में मलिका सेरावत नृत्य करते हुए थिरकते हुए कहेगी, ओ भीगे होठ मेरे मदकन तिजारो यादव परिवार, आ सारी रात मिलकर मुझसे कर प्यार, बार बार लगातार ओ। आजम खान ने अमर सिंह के लगाए हुए आरोपों को गलत बताते हुए खारिज किया है, जिसमें कहा गया कि इनको निर्वस्त्र कर मारना चाहिए और इनकी बेटियों पर तेजाब फेंकना चाहिए। ये शब्द न मेरे हैं न हो सकते हैं। मैं इन शब्दों की खंडन करता हूँ और इन शब्दों को इस्तेमाल करने वाले की निंदा करता हूँ।